हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल कृष्ण भक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का नया डिज़ाइन, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह के ड्रेस है ये मैंने जो बनाई है। ये है 3 नंबर के गोपाल जी के लिए। छोटे छोटे फूल, ग्रीन कलर की ड्रेस है वाइट के साथ में। ये छोटे छोटे फूल से बनाए, इन पर मैंने जो है ये देखिए मोती लगाए हैं। आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है ये देखिए, आपको कैसी लगी ये ड्रेस प्लीज़ मुझे बताना, कैसी लगी आपको ड्रेस। आज मैं इसी को बनाना आपको बताती हूँ, किस तरीके से मैंने ये बनाई है। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जो है 3 नंबर के गोपाल जी की चोली बना ली है। ये इस तरीके से चोली बना ली है इनकी। अब मैं जो है इसमें आगे का डिज़ाइन डालना शुरू करती हूँ। मैं ये जो है ग्रीन ऊन से बना रही हूँ। ये देखिए, इसको हम जो है इसमें इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तीनों का जो है हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, एक जाली इसमें से हमने निकालना है। एक बार निकाल के डबल क्रोशिया करेंगे, 3 का 2 और 2 का फिर 1 करेंगे। ऐसे ही इसमें से अगले में से करेंगे हम 3 का 2 और 2 का 1, सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। अब जो हमने करना है, ये जो आगे की है ये वाला एक को छोड़ दिया, हम दूसरे में से हम इसमें से निकालेंगे। नीचे से इस तरीके से निकालते हुए इसको इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर इसके बराबर वाले में से हम इसमें से इसके बराबर वाले में से इसमें से जो है हम यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे। फिर इससे अगले में करेंगे इस तरीके से ही डबल क्रोशिया जाली में से। ये देखिए, एक बार हमने इसमें से जो निकाला था, ये वाला हमने यहाँ से जो निकाला था, अब एक को छोड़ेंगे हम। अब दूसरे में से फिर हम एक को जाली को छोड़ देंगे, फिर दूसरे में से इसी में से इसमें से हम नीचे से इस तरीके से यहाँ से नीचे से निकालते हुए इस तरीके से हम ऐसे लाएंगे इसको। इसको फिर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, अब इसमें से हम इसमें से निकाल के इसका डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, अब इसमें से क्या हमने जाली में से निकाला, फिर इसमें से निकालेंगे अगले में से। ये देखिए इस तरीके से, अब हमने इसमें से इसके अंदर से निकाला था तो एक को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऊपर की हमने इसमें लाइन में ये किया है जाली में से। अब हम दूसरे लेंगे जो ये इसके नीचे से, इस वाले फंदे के नीचे से यहाँ से निकालते हुए इस तरीके से हम इसको डबल क्रोशिया करेंगे। ये पूरी रो जो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। रो जो हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम सेकंड पे चलेंगे। सेकंड रो हम कैसे करेंगे, जो 2 बार किया था, अब हम इसमें से तीसरी 3 बार निकालेंगे जाली में से इस तरीके से। एक, ये 2 और ये 3, 2 का 3 हो गया है। 1 के 2 के 2 का 3। अब जो ये है वाला फंदा हमने किया था, ये इसको हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसको हम इसी तरीके से जो नीचे से बनाया था, जैसे उठा के उस फंदे में के नीचे से, फंदे के नीचे से उठा के धागा, ऐसे ही हम इसमें भी यहाँ पर इसी तरीके से फंदे के नीचे से धागा उठाएंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे। फिर आगे जो दो बार बनाया था, अब वहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 1, 2 और ये 3, इस तरीके से 3 बार हो गया। फिर वही फंदा उठा के हमने फंदे के नीचे से धागा निकालना है। इस फंदे जो हमने नीचे से उठाया था, जैसे नीचे से बनाया था, उस फंदे को हम उसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, अब ये यहाँ पर वही 3 बार बनाना है। 1, 2 और ये 3। फिर वही फंदा उठाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये रो भी हम इसी तरीके से पूरी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये जो है ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से जो है बनेगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरीके से बनता जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर नीचे जो था 1 से शुरू किया था, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, अब ये जो है अब ये 4 बनेंगे यहाँ से। देखिए, 1, 2, 3, 4, 1 बार हो गया। फिर ये देखिए 2 बार, और ये इस तरीके से जो है आगे जो है, मतलब कि 4 के 4 के 5, 5 के 6, इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ते जाएंगे। ये इस तरीके से डिज़ाइन
बनता जाएगा। बनने के बाद ये डिजाइन जो है बहुत प्यारा लगता है। ये वाला फंदा हम इसी तरीके से, इसके ऊपर हम इसी तरीके से फंदे के नीचे से धागा निकाल के वो हम इसी तरीके से बनाएंगे। उससे जो है ये लाइन देखे इस तरीके से, ये पूरा डिजाइन जो है इस तरीके से ये बनेगा। इसमें भी वाइट ऊन भी ऐड होगी, वो मैं दिखाऊंगी कहाँ पर होगी। पहले मैं इसको आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। तो ये डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से ये डिजाइन आएगा। ये देखिए ये डिजाइन इस तरीके से हो गया है। अब जो है हमने जो आगे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बस इसको इतना ही डालूंगी कि छोटी ड्रेस है तो इसमें छोटा ही रखूंगी। अब हमने क्या करना है, एक दो की चैन लेनी है। दो की चैन लेने के बाद जो है एक दो, दो को छोड़ के तीसरे में हम इस तरीके से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर दो की चैन लेंगे, एक दो, इसी में से फिर दूसरी बार निकालेंगे। इसी में से हम दूसरी बार डबल क्रोशिया, एक बार निकाल लिया, इसको डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जो है ये वी बन जाएगा। फिर हम एक दो की चैन लेंगे, फिर हम दो को छोड़ के फिर तीसरे में से डबल क्रोशिया, फिर एक बार फिर दो की चैन, एक दो, इसी में से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले में लेंगे इस तरीके से, हम जो है रो पूरी इस तरीके से वी बनता जाएगा। इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। ये वाला डिजाइन जो है यहाँ पर ये देखिए ये जो है इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इनके ऊपर जो है हम छोटे छोटे फूल बनाएंगे। फूल बनाएंगे हम सफ़ेद से और ग्रीन से। अब देखिए मैं पहले सफ़ेद से बनाती हूँ। ये देखिए वैसे हमने कैसे बनाना है, इसके अंदर से लेंगे हम जो वी बनाया था, इसके अंदर से निकालेंगे। देखिए इसके अंदर से इस तरीके से निकालेंगे हम, इसमें सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। इस तरीके से सब में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सब में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तीन चार पाँच, ये छः सात। अब ये वाली अगले वाली इसमें करेंगे, इसमें भी हम सात बार निकालेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार इसमें हो गया। अब इधर की जो है, अब ये वाली है इधर की, अब इसमें से निकालेंगे, इसमें से ये देखिए एक दो ये तीन चार पाँच छः, ये सातवीं बार जो है हम इसमें ऐड करके इसमें इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखिए ये फूल बन गया। अब इसको हम यहाँ पर कट लगा देंगे। अब जो है हम ग्रीन ऊन से करेंगे। देखिए इसको कट लगा देंगे यहाँ पर। ये सफ़ेद का फूल बन गया यहाँ पर। अब जो है हम ग्रीन का फूल बनाएंगे। तो ग्रीन का फूल बनाने के लिए हम जो है एक इसमें से एक वाला वी जो है, ये देखिए एक इस पे सफ़ेद बन गया। अब इसको हम छोड़ देंगे, इससे अगले में हम ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिए हम ग्रीन से बनाएंगे, एक एक, इसमें भी हम सात बार निकालेंगे। दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात बार ये हो गया।
अब इससे अगले इसमें, इस वाली इसमें ही वी में जो बनाया था दूसरी डंडी सी में, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात ये हो गया। अब इसके इसमें से इधर से इसको इधर को घुमा लेंगे, अब इसको घुमा के अब ये जो है इसमें से निकालेंगे एक, इसमें से भी हम सात बार करेंगे, दो तीन चार छः, सात ही बार इसमें ऐड करके इसको यहाँ पर कट कर देंगे, इसको सिंगल क्रोशिया करके इसको ये देंगे, ये बन गया। अब इसको यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, ये दो फूल हो गए। अब इस तरीके से हम जो है इसको अब यहाँ पर अगले में ये जो हमने धागा जो बाहर निकल रहा है इसको हम क्रोशिया की सहायता से इनको अंदर कर लेंगे, यहाँ पर क्रोशिया की सहायता से इसको हम इस अंदर फूल के अंदर इस तरीके से इनको हम अंदर कर लेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ये एक सफ़ेद हो गया एक हरा हो गया। अब हम ये इस वाले वी को छोड़ेंगे, अब इससे अगले में हम सफ़ेद का बनाएंगे, यहाँ पर हम जो है सफ़ेद का बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरीके से सफ़ेद एक हरा करके इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ये देखिए ये जो है इस तरीके से जो है बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए ये सफ़ेद और हरा ये छोटे छोटे फूल बन गए हैं। अब इसमें जो है हम एक एक करके मोती, इनमें मोती लगाएंगे। अब ये चोली पे भी जो है हम सफ़ेद रंग की आउटलाइन करेंगे, इस सफ़ेद रंग की ऊन से हम जो है इसको चोली पे इसकी हम सफ़ेद रंग की ऊन से यहाँ पर बाउंड्री कर देंगे सफ़ेद ऊन से चोली पे, इस तरीके से हम इसको लेंगे यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सफेद रंग से ये कर दें। इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये मैंने इस पे ये सफेद चोली पे सफेद रंग की कर दी, डोरी लगा दी। अब इन पे जो है मैं फूलों पे जो है एक एक मोती लगाऊंगी, मैं इस पे मोती जो लगाऊंगी मैं इस तरह के सिल्वर कलर की मोती लगाऊंगी, दिखाती हूँ मैं सुई धागे से इसको करके इस पे ये देखिए यहाँ से जो मैं इनको एक एक इस पे मोती लगा दूंगी। मोती लगाने के बाद जो है इसकी लुक और भी अच्छी हो जाएगी, इस तरीके से इन पे देखिए इस तरीके से इन पे एक मोती हो जाएगा, इस तरीके से इन पे मोती लगने के बाद ही ऐसी लगेगी। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड मोती लगने के बाद ये ड्रेस कैसी लग रही है आपको, देखिए मोती लगने के बाद पूरी कंप्लीट होने के बाद ये ड्रेस आपको कैसी लगी, ये देखिए ये है इसका लुक, ये है दो तीन नंबर, तीन नंबर के गोपाल जी के लिए इतनी प्यारी ड्रेस है, ये देखिए इस तरीके से ये प्लीज़ आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी, लाइक करें सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक।